के सूरजपाल अम्मू को जिंदा जलाने से उनके मन को शांति मिलेगी या उनका नाम और रुतबा बढ़ेगा, तो मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ। पर सूरजपाल अम्मू को हल्के में लेना गलत फहमी है, निकाल देना दुनिया से। अपने विवादित बयानों की मार्फत सुर्खियों में रहने वाले करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू एक बार फिर विवादित बयान के जरिए सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल अब की बार सूरजपाल अम्मू ने जो बयान दिया है वह गुज्जर और जाट बिरादरी के लोगों के लिए दिल्ली बदरपुर के जैतपुर गाँव में 9 जून को आयोजित की गई महाराणा प्रताप व सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मेहर भोज को लेकर दो समाजों के बीच चल रहे विवाद पर बोलते हुए दिया गया। नेताओं की राजनीति जो सोना विधानसभा से चुनाव लड़ने चाहते हैं, 15-20 लोग हैं गुर्जर समाज के जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, पहले तुम एक हो जाओ भैया, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर क्षेत्र के लोग एक होंगे ना तो सूरजपाल अम्मू शायद तुम्हारे साथ भी खड़ा हो जाएगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ सूरजपाल अम्मू को हल्के में लेना गलत फहमी है, निकाल देना दिमाग से। जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, जो मेरे पारिवारिक मित्र हैं, जिनके घरों में आना जाना मेरा पिछले 50 सालों का है, यानी कि मैं जब 5-6 साल का था तब से उस घरों में आना जाना। अब अचानक वो राजनीति पे क्यों उतर गए, घटिया राजनीति पे उतर गए, और राजनीति भी इतने निचले स्तर की है कि वो मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में अपशब्द बोलने लगे। विषय दिल्ली के बदरपुर का है, वहाँ पर भी अगर मेरा कोई पूरा भाषण किसी ने सुना होता तो शायद सच्चाई सामने आ रही। इन्होंने क्लिप काट के जो मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार ये कर रहे हैं, करनी सेना के अंदर क्या गुर्जर समाज के लोग नहीं है, क्या जाट समाज के लोग नहीं है, क्या बनिया समाज के लोग नहीं है, क्या पंजाबी नहीं है, क्या ब्राह्मण नहीं है, सारी जातियों के लोग हैं। परंतु जानबूझकर मेरी उस क्लिप को उठाकर और उसको भी उसमें भी काट छाट करके इन्होंने इस प्रकार से उसको वायरल किया, जिससे कि मेरी छवि को धूमिल करने का एक कुंठित प्रयास। बता दें कि सूरजपाल अम्मू द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर जब हमारे संवाददाता ने अम्मू से बात की तो उनका कहना था कि उनके बयान को साजिश के तहत तोड़ मरोड़ कर कुछ राजनीतिक लोगों ने षड्यंत्र के तहत अपने फायदे के लिए सोशल मीडिया पर वायरल करके उनकी छवि को खराब करने का ही काम नहीं किया बल्कि दो समाजों के बीच जहर घोलने का भी काम किया गया। और जो शिकायत भोंडसी पुलिस थाने में दी गई मेरे खिलाफ, उस शिकायत के अंदर मुझे जिंदा जलाने की धमकी दी गई, साथ ही मुझे व मेरे परिवार के पास धमकी भरे मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिनको लेकर अम्मू ने एक शिकायत गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर व DGP हरियाणा को भेजी है। साथ ही धमकी देने वाले लोगों को चेताते हुए कहा कि जो लोग अम्मू को हल्के में ले रहे हैं वो अपने दिमाग का वहम निकाल दे और इस तरह की गलती न करे। छवि को धूमिल करने का एक कुंठित प्रयास है। सरकार के आदमी जिनका कोई लेना देना नहीं, जो समाज में अपने आप को चौधरी बनकर वीडियो अपनी डालकर मुझे थ्रेट कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, मेरे परिवार को के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इनकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि इन्होंने कंप्लेंट दी भोंडसी थाने के अंदर, उसके अंदर ये लिखते हैं कि भाई हम लोग अगर हमारे लोगों को मिल गया तो हम इसको जिंदा जला देंगे। अगर जिंदा जलाना है तो मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ। मैं तो सोना की संतान समिति का अध्यक्ष हूँ पिछले 27 वर्षों से, मैं तो वहाँ पर सेवा कार्य करता हूँ, हर रोज आता हूँ, सोना मेरा ग्रह क्षेत्र है। जिसको लगता है कि सूरजपाल अम्मू को जिंदा जलाने से उनके मन को शांति मिलेगी या उनका नाम और रुतबा बढ़ेगा तो मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ। परंतु कोई धमकाएगा, सूरजपाल अम्मू धमकियों में आने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग कुछ भी करो परंतु एक दायरे में रहकर कर। अगर मिहिर भोज का विषय चल रहा है तो ग्वालियर के अंदर भी चल रहा है, जो हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग। अगर दिल्ली का विषय चल रहा है कि दिल्ली किसकी, अनंगपाल तोमर की, तो वो विषय भी भारत सरकार का जो एक अलग से जो डिपार्टमेंट है, बौद्धिक विषय, वो बौद्धिक डिपार्टमेंट है, उसमें जाके देख लीजिएगा हिस्ट्री क्या कहती है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल करने और उनको जिंदा जलाने की धमकी देने के मामले में 4 नामजद लोगों सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए हरियाणा के DGP को शिकायत भेजी गई है। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत दे दी गई है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान मामले की असल सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस द्वारा किसके खिलाफ क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।